ठंड से बचने के लिए कमरा बंद कर कोयले की अंगीठी जलाकर सो गया चौकीदार, दम घुटने से हुई मौत। कोयला के गोदाम पर कानपुर निवासी किशन लाल 5 साल से चौकीदारी करता था। गोदाम के मुख्य गेट पर स्थित एक कमरे में अकेला रहता था। बुधवार रात में अधिक ठंड के कारण कोयले की अंगीठी जलाकर बंद कमरे में सो गया था। बादलपुर औद्योगिक क्षेत्र में कोयले की अंगीठी जलाकर बंद कमरे में सोए चौकीदार की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि छपरौला औद्योगिक क्षेत्र में विसरक रोड स्थित कोयला के गोदाम पर कानपुर निवासी किशनलाल 5 साल से चौकीदारी करता था। गोदाम के मुख्य गेट पर स्थित एक कमरे में अकेला रहता था। बुधवार रात में अधिक ठंड के कारण कोयले की अंगीठी जलाकर बंद कमरे में सो गया। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे गोदाम संचालक पहुंचे तो कमरा बंद देखकर आवाज दी, मगर दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर देखा तो चौकीदार का शव पड़ा मिला। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।